और नेता जेल में जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई देश की है और हम मेंटली प्रिपेयर हैं कि हम सबको गिरफ्तार किया जाएगा। आपातकाल से भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई देश में। मैं संजय सिंह के घर में जाकर आया, उनके माताजी से, भाभी जी से मिला और मैंने कहा कि हम सब आपके साथ हैं लड़ाई में और ये संकट में हम आपके साथ हैं। ये इंडिया अलायंस गठबंधन जो है इसको स्ट्रेंथन करेगा या वीकेंड करेगा? देखिए, इसके लिए एक इश्यू बनेगा, मुद्दा बनेगा या वीकेंड करेगा? मुद्दा तो बन गया है। आज वेस्ट बंगाल में भी कुछ रेड्स हो गई है, डीएमके के नेताओं के ऊपर रेड्स हो गई है, महाराष्ट्र में रेड्स होगी, हाँ छत्तीसगढ़ में होगी, राजस्थान में होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं होगी, कर्नाटक में होगी, यूपी में नहीं होगी। हाँ, इंडिया अलायंस को ये वीकेंड करेगा या स्ट्रेंथन करेगा? जितने भी आप घाव हम पर डालेंगे हम उतने ही मजबूत होंगे, हम झुकेंगे नहीं। सर, अनुराग ठाकुर का कहना है कि संजय सिंह जो है के बाद जो किंग पिन है इस कथित शराब घोटाले के, वो अभी भी बाहर हैं, उनको भी जल्दी पकड़ो। देखिए, आज की जो सरकार है, ये सरकार के इतने घोटाले हमने पार्लियामेंट में निकाले हैं, उसका क्या हो गया? उसका किंग पिन कौन है भाई? अनुराग जी आप बताइए। हम बार बार बोल चुके हैं, बता चुके हैं, सिर्फ सिलेक्टेड टारगेटेड लोगों को आप जिस तरह से प्रताड़ित करने जा रहे हो, ये कानून नहीं है, ये संविधान नहीं है, इसे देश चलाना नहीं कहता। आपका भी नाम संजय और आप भी ईडी के केस में गिरफ्तार हुए थे। हम गिरफ्तार हुए हैं, हम लड़ाई की है और वापस आए हैं और हम लड़ते रहेंगे। सर, बीजेपी का ये भी कहना है कि संजय सिंह के घर से कुछ इस तरीके के दस्तावेज मिले हैं जो कि काफी आम आदमी पार्टी के ऊपर तक ही चीन के हैं। मैं संजय सिंह को पहचानता हूँ, आज से नहीं पहचानता हूँ, जब वो राजनीति में नहीं थे तब से मैं उनको पहचानता हूँ। ये सब झूठे जो आरोप होते हैं ना, ये बंद कर दीजिए। पवन कल्याण की पार्टी सर एनडीए से बाहर हो गई है टीडीपी को बचाने के लिए? मालूम नहीं मुझे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।